हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन शर्मा आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये है वर्चुअल आईडी कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ के जरिए पता चल चुका होगा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने वर्चुअल आईडी बनाना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, वर्चुअल आईडी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। वर्चुअल आईडी के बारे में सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी, क्या होता है, कैसे काम करती है, कैसे बनेगी, कहां से बनेगी, क्यों ज़रूरत है, इस सब के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। फिर भी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। वर्चुअल आईडी दोस्तों आधार कार्ड को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार ने निकाली है। फ्रेंड्स, आधार कार्ड जब भी हम कहीं पे देते हैं तो इस बात की संभावना होती है कि उस आधार कार्ड का कोई व्यक्ति गलत उपयोग कर ले। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आधार कार्ड को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार ने वर्चुअल आईडी जारी की है। फ्रेंड्स, वर्चुअल आईडी एक 16 अंकों का नंबर होगा जो कि आपको एक समय समय के बाद बदलना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये इसी बारे में है कि आप अपनी वर्चुअल आईडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन में जो महत्व आधार कार्ड का है आपके लिए, उतनी ही ज़रूरी वर्चुअल आईडी आपके लिए होने वाली है। तो ये बहुत आवश्यक है आपको जानना कि कैसे आप अपनी वर्चुअल आईडी बना सकते हैं, और इसके लिए ये जो वीडियो है इसको पूरा आप देखें। इसके अलावा वर्चुअल आईडी के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो से आपको पता चलेगा वर्चुअल आईडी के बारे में सारी जानकारी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आप कैसे वर्चुअल आईडी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ज़रूर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओटीपी के ज़रिए आप अपनी वर्चुअल आईडी बना सकेंगे घर बैठे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं एक लाइव डेमो एग्जाम्पल दूंगा आपको, जिसमें मैं अपनी वर्चुअल आईडी बना के बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे वर्चुअल आईडी बनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी वर्चुअल आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वर्चुअल आईडी जनरेटर नाम से ये ऑप्शन दिखेगा, आप इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ आपने अपना आधार नंबर डाला, इसके बाद ये जो नीचे कैप्चा बता रहा है ये एंटर कीजिएगा। इसके बाद सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, जैसे ही आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, नीचे लिखा आ रहा है ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और यहाँ मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है। ये ओटीपी मैं इसमें एंटर करूँगा, इसके बाद मैं अपना वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ओटीपी एंटर किया। मैं यहाँ पे जनरेट वीआईडी करूँगा और यहाँ पे नीचे सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वीआईडी नंबर सक्सेसफुली जनरेटेड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल। और ये फ्रेंड्स, इधर मेरे पास मैसेज आ गया है, डियर दिस इज द वर्चुअल आईडी फॉर योर आधार नंबर। ये मैसेज ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इस तरह से मुझे मैसेज पहुंच गया है रियल टाइम में तुरंत, और ये मेरी वर्चुअल आईडी है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्चुअल आईडी के बारे में सारी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो मेरी वीडियो का लिंक दिया हुआ है वर्चुअल आईडी के बारे में, आप उसको देखिए एक बार। पूरी वीडियो में आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वर्चुअल आईडी क्या है, क्यों ज़रूरी है, आधार कार्ड से क्यों ज़्यादा सुरक्षित है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, कैसे आपको ये मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो को और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि उन्हें अपनी वर्चुअल आईडी कैसे मिलेगी। और इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।